आज पहली बार लाइव में आ रहा हूँ। आप लोग का कोई क्वेश्चन है आप लोग अभी लाइव कर सकते हैं, और कैसा लग रहा है मेरा आर्टेक चैनल। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, जैसा पहला मैं 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाया, उसका वजह है, लेकिन अभी दे रहा हूँ जितना हो सके मैक्सिमम, एक पार्ट बाय पार्ट डिटेलिंग करके, ठीक है ना। तो आप लोगों का मुश्किल नहीं आएगा, और आएगा भी तो मेरे को क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें रिप्लाई देने के लिए, ठीक है ना। हाय फ्रेंड्स, तो अभी कौन कौन आ रहा है, हाय बोलिए। तो अभी पूछ सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। हाय सरगम, हाय दिया, हाय सुपर BFX स्टूडियो, हाय। आई एम फाइन दिया, डिंपल पटेल, हाय राणा देवनाथ, हाय मल्लिक दत्तो, यूनिक ब्रदर्स सर जी, शिवलिंग बनाना बताइए मिट्टी में। शिवलिंग एक मेट्री, मतलब एक आर्टवर्क है जो सबसे, मतलब सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ठीक है ना। तो बनाएंगे कभी, श्योर। श्री भेद, हेलो। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में भी मैं कभी बताएंगे, तो हाय फ्रेंड्स, ऐसे खाली बता रहा हूँ। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, जैसा मिट्टी के बारे में आप लोग क्वेश्चन करते हैं। मैं गंगा मिट्टी कलकत्ता से मिलता है, आप लोग ऐसा मिट्टी के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप लोग लोकल जो अवेलेबल मिट्टी है आपका पास में ढूंढिए, ठीक है। कोई खुला जगह में जाइए, वहाँ पे ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, वहाँ पे जाके अलग 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 टाइप का मिट्टी उठा के लेकर आइए। थोड़ा सा क्या बोलते रस्टिसिटी जिसको बोलते, इस टाइप का कुछ क्या बोलते उसको, थोड़ा सा सैंड का भाग कम होगा, इस टाइप का कुछ मिट्टी आप ढूंढिए, ठीक है। तो वो मिट्टी लेके आप, मेरा जो प्रोसेस है मिट्टी तैयार करने का, छान लीजिए, पानी से घोल लीजिए, उससे जो मोटा दाना है उसको निकाल दीजिए, ठीक है ना, और उसको धीरे धीरे सुखा लीजिए। वो मिट्टी से आप काम करना शुरू कीजिए, देखिए आप क्रैक नहीं होगा तो ठीक है, और क्रैक होगा तो उसमें थोड़ा जो ब्रिक डस्ट है मार्केट से मिलता है, टाल्क जिसको बोलते हैं। सरगम वेरिएशन प्लीज मेक गणेश ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, करेंगे फ्रेंड्स। मेरा चैनल पे लगभग 4-5 टाइप का गणेश जी मैंने बनाया, प्लीज़ पहले उसको देखिए, अलग अलग स्टाइल है उसमें। तो मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ, आज 2-4 दिन में और भी बहुत अच्छा यूनिक गणेश जी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जो मिट्टी के बारे में जो बोल रहा था मैंने, तो वो मिट्टी में आप काम करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए, किसी के ऊपर चिपकाने का कोई जरूरी नहीं है, कोई आर्मेचर देने का कोई जरूरी नहीं, जैसा छोटा 4 इंच 6 इंच तक आप बिना आर्मेचर का आप कोई भी मॉडल बना सकते हैं, ठीक है।
मिट्टी के बारे में क्या बताए फ्रेंड? मेरा पास मिट्टी स्टॉक है लेकिन यहाँ से अभी भेज नहीं सकते, और क्योंकि ये खुद का मैं मंगाया कलकत्ता से, लेकिन जो नंबर मेरा मिला था वो नंबर में गुम हो गया, वो नंबर नहीं मिल रहा, मतलब वो डिसकनेक्शन बता रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए तो। लेकिन मैं बोलूँगा, देखिए 1 किलो का यहाँ पे प्राइस है, आप सोचिए 10 10 20 रुपया, 10 20 रुपया इसका प्राइस है। तो आप यहाँ से भेजने के लिए आपका 100 रुपया लग जाएगा, ठीक है ना? तो उतना मिट्टी वही मुश्किल है, टाइम भी लग जाता है, मैं कोशिश करता हूँ हो जाए तो, ठीक है? तो सबसे अच्छा होगा आप ढूंढिए, जैसा मुंबई दिल्ली अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का मिट्टी अवेलेबल है, जैसा दिल्ली में एक वाइट टाइप का बोरी में मिट्टी मिलता है, उस टाइप का मिट्टी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा मिट्टी है। और मिट्टी के बारे में और एक चीज़ जो बता रहा हूँ, जैसा मिट्टी फाइनल मटेरियल नहीं है, ठीक है? मतलब आप लोग जैसा सोच रहे मूर्ति बना के मिट्टी में उसी में रख देंगे, उसी में रख देंगे, ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं? मिट्टी तो खराब हो जाएगा ना, ये परमानेंट नहीं है, घर में रखेंगे तो धीरे धीरे उसको डस्ट गिरेगा, डस्ट उठा नहीं पाएंगे, कलर भी फेड हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप देखिए एक काम कीजिए, मेरा लगभग दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सब में मैं फेस को डिटेलिंग करके दिखाया, एक बार वहाँ पे जाइए आर्टेक चैनल पे, वहाँ पे जाके वो वीडियो की एक बार देखिए, मैं फेस को बहुत अच्छा से डिटेलिंग करके दिखाया, नहीं होगा तो एक बड़ा वाला फेस मेकिंग मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाया उसमें भी देखिए, शायद आपका हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? अभिषेक शर्मा जी अभी मूर्ति बनाते हैं, उससे बैक साइड का पार्ट भी थोड़ा दिखाए, अदरवाइज बैक साइड अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मिट्टी कौन सी वाली अच्छी होती है मूर्ति मूर्ति के लिए, कौन सी वाली अच्छी? दैनिश फल भी सर, एक तो देखिए मिट्टी कौन सी अच्छा है, ऐसे कैसे बोलूं आपको, फील थोड़ा सा खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब आप काम करते करते थोड़ा सा हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, तभी खुद पता चल जाएगा जब हाँ ये मिट्टी अच्छा है। जैसा हम मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो गंगा मिट्टी है उससे भी बहुत अच्छा मिट्टी दिल्ली में मिलता है, जो बोड़ी में सफ़ेद जो अभी बताया, बहुत अच्छा मिट्टी है, ठीक है? तो आप वहाँ पे देखिए, जैसा मुंबई में भी एक काला मिट्टी मिलता है, वो भी मेरे को अच्छा लगा, इतना बुरा भी नहीं है, काम अच्छा होता है, ठीक है? शुभंकर नस्कर जी सर, फाइबर कास्टिंग लिक्विड मिक्सिंग परसेंटेज बोलिए। फाइबर कास्टिंग जो लिक्विड मिक्सिंग, एक तो बात है, ये भी एक प्रैक्टिस का बात है, जैसा मैं आप वहाँ पे जाके देखिए, जो 3 लेयर होता है, फर्स्ट लेयर जो है उसमें डायरेक्ट आप रेजिन एकदम थोड़ा जो फ्रेंच ऑफ पाउडर मिलाइए, मतलब उसका थिकनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लेयर जो है एकदम पतला करके, एक्सेलेटर हार्डनर जो मिलाना चाहिए वो सेम परसेंटेज तीनों टाइप में होना चाहिए। और जो सेकेंड लेयर है उसमें जो फ्रेंच ऑफ का मतलब पाउडर जो है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो थिकनेस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद जो मैट होगा, मैट बिठाने का टाइम आपको जो परसेंटेज होगा, फिर से एकदम डायरेक्ट उसमें आप पाउडर
मत मिलाइए, ठीक है ना। तो ये तीन अलग अलग परसेंटेज है मिलाने का, जो रेशियो है अलग अलग है। तो आप काम एक बार प्रैक्टिकली कीजिए तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सर पॉलिएस्टर रेजिन कैसे रेट में, तो जो रेजिन का बात बोल रहा था, ये प्राइस अलग अलग जगह में अलग अलग है। तो उस हिसाब से जैसा रेजिन यहाँ पे मिलता है कलकत्ता में 140, मतलब टैक्स वैक्स मिला के आपको मिल जाता है 180-185 रुपये पर लीटर। मतलब अभी जो हर्डनर एक्सेलेटर ये 400 रुपया का आसपास मिलता है लीटर। क्या बोलते हैं, वैक्स जो है, वैक्स शायद वो डिब्बा मिलता है 500 ग्राम का, ये 300 रुपये का आता है। ये अलग अलग वैरायटी के भी आता है, ठीक है। जो पाउडर आता है ये 700 रुपये का बोरी आता है। इस टाइप का है ये, अभी डिपेंड करता है जगह का ऊपर, ठीक है ना। ये राजस्थान का आसपास ये फैक्ट्री है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब से आपका रेट अप डाउन करता है, ठीक है। मुस्तफ़ा जी, एक तो है क्ले कैसे क्रैक रोकना है। आप देखिए, एक मैं वीडियो एक डाला है आर्ट टेक चैनल पर, आप जाइए वहाँ पे। क्रैक रोकने के लिए आप तो देखिए, कोई स्टीप जगह जैसा प्लाई में आप चिपका के काम करेंगे, वहाँ पे चिपक जाए तो सूखने का बाद वो श्रिंकेज होगा, क्ले श्रिंकेज होगा, लेकिन आपका प्लाई श्रिंकेज नहीं होगा, तो क्रैक होना ही है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्लाई और क्ले का जो सरफेस होगा ये अलग करना पड़ेगा। कैसे, पेपर डाल दीजिए, ठीक है ना, तो क्रैक नहीं होगा, मतलब चांसेस कम है। और फिर भी मिट्टी का वजह से कुछ क्रैक होगा, मिट्टी को छानिए, अच्छा से स्मूथ कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रिक डस्ट जैसा डाल दीजिए, उसमें क्या होगा, उसका श्रिंकेज परसेंटेज है कम होगा, स्लो होगा, ठीक है ना। तो क्रैक इतना नहीं होगा, ठीक है। समाप्ति देख, नाइस नाइस सर, ओके। मिट्टी का गणेश जी की दिया बनाना सिखाइए सर, श्रीवेद। अच्छा, कोई बात नहीं, बनाएंगे, उसमें कुछ इजी प्रोसेस भी दिखाएंगे, ठीक है, जरूर याद रहेगा, ठीक है। तो जैसा मैं क्या करता हूँ, बैक साइड भी दिखाने के लिए, जैसा मैं जब मूर्ति बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा यूट्यूब के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए जब बनाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस में, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं पीछे का साइड ज़्यादा फिनिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाएंगे, वो बाद में मैं करता हूँ एक्चुअली, कोई बात नहीं, दिखाएंगे, ठीक है, ओके। सर फ्रेंच चक पाउडर ना मिलाए और मटकी डबल लेयर कर दो, और मैट की डबल लेयर कर दो तो फाइबर सीट की थिकनेस, देखो इसमें जो है आपका, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बिजनेस का बात हो गया। आपका रेट ज़्यादा नहीं है, आपको हल्का करना है, तो उसमें आप एक लेयर मैट डालेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा मोटा थिकनेस आउटडोर के लिए आपका काम करेंगे, थोड़ा बड़ा काम है, थिकनेस थोड़ा मोटा करना है, तो उसमें आपको डबल लेयर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैट भी दो तीन टाइप का होता है, GSM बोलते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैट पतला होगा तो डबल लेयर दीजिए, मोटा होगा तो एक लेयर में भी कम चल जाएगा, लेकिन फ्रेंच चॉक तो डालना पड़ेगा। फ्रेंच चॉक नहीं डालेंगे तो आपका इतना पतला हो जाए, आपका गड्ढा जो है, आप सोचिए जो नेगेटिव मोल्ड में जो नेगेटिव स्पेस है, मतलब अप डाउन तो रहेगा ना मोल्ड, तो उसमें आपका जो गड्ढा है उसमें आपका रेजिन पूरा गिर जाएगा, और अपर सर्फ मतलब जो उठा हुआ सर्फेस है उसमें रोकेगा नहीं, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो
फ्रेंच चौक तो मिलाना ही पड़ेगा, फ्रेंच चौक नहीं तो कहीं कहीं पे जैसा शंखचूर मिलाते, ऐसा कोई कोई तो पीओपी भी मिला देते, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है ना। जैसा प्लेन सीट बना रहा है, कोई सीट बना रहा है प्लेन सरफेस में, तो उसमें तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप मैट डाल दीजिए, प्योर रेजिन डाल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। वो स्पंडे सर कैन फूड फेविकॉल एंड पीओपी इन क्रैक। देखिए आप सोचिए क्रैक हो गया, ठीक है, आप मिट्टी में रखना चाहते हैं पीस को घर में सजा के लिए, तो उसमें आप पीओपी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पीओपी से फिनिश कर सकते हैं, पुट्टी से फिनिश कर सकते हैं, फेविकॉल का साथ कुछ क्या बोलते हैं मार्बल डस्ट मिला के भी उसको क्रैक बंद कर सकते हैं, लेकिन सूखने का बात है, ठीक है ना। गया जी, घर में टेराकोटा पैनल कैसे बना सकते हैं। घर में टेराकोटा, टेराकोटा क्या चीज़ है ये पहले समझना चाहिए। टेराकोटा आप जो क्ले है, क्ले को फायर करेंगे, मतलब क्ले को परमानेंट करने के लिए फायर करना पड़ेगा, तो ये जो प्रोसेस है ये टेराकोटा, ठीक है ना। और टेराकोटा को फिर से ग्लेजिंग कोट करके उसको फिर से फायरिंग करने के बाद वो हो जाता है सेरामिक, ठीक है ना। लेकिन बेस मटेरियल होता है क्ले, तो आपको टेराकोटा बनाना है तो घर में मिट्टी का काम तो करना ही पड़ेगा, मिट्टी बनाने का बाद आपको फायरिंग करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेडिशनल फर्निश है, इलेक्ट्रिक फर्निश है, गैस फर्निश है। मैं एक ट्रेडिशनल फर्निश का एक वीडियो बना के अपलोड किया मेरा चैनल पर, आर्टिक चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए, एकदम ट्रेडिशनल प्रोसेस पे घर में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन एक बार हो जाए तो आप लोग घर में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला पीस आप अच्छा से फायरिंग हो जाए तो आप इंटीरियर तो रख रख ही सकते हैं, एक्सटीरियर में भी मतलब आउटडोर में भी रख सकते हैं परमानेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मुस्तफ़ा जी, सर टेक्सचर पेस्ट कैसे बनाए। टेक्सचर पेस्ट क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं। टेक्सचर मतलब आप सोचिए किसी पैनल पे टेक्सचर करेंगे, ठीक है, तो टेक्सचर करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, ठीक है ना। जैसा पैचुला हो गया, कोई रोलर जो पेंट करते रोलर हो गया, ठीक है, हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ पत्ती से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पेस्ट अभी वॉल के ऊपर करेंगे तो पेस्ट आप सोचिए पुट्टी ले लीजिए, सबसे आसान बिरला पुट्टी, ठीक है ना। प्लास्टर ले लीजिए, प्लास्टर से भी पुट्टी बहुत अच्छा है, तो उससे टेक्सचर बनाइए, उसके बाद पेंट कीजिए, ठीक है। योगेश जी, सर फिनिशिंग कैसे किया जाता है गणेश जी की प्रतिमा को बनाने का बाद। आप देखिए फिनिशिंग का बात है, जैसा आप मिट्टी में बना लीजिए, एक टाइम आता है लेदर हार्ड बोलते हैं जिसको, मतलब आप थोड़ा सा सूख गया तो उस टाइम हल्का सा पानी और आपको मिट्टी का घोल बना लीजिए, मिट्टी का घोल एकदम कम होगा, उससे ब्रूस से बहुत अच्छा से स्मूथ कीजिए, तो क्या होगा एक अपर सरफेस देखिए ग्लेजी टाइप का एक लुक आएगा, ठीक है। उसके बाद सूख दीजिए, सुखा दीजिए, पूरा सूख गया, उसके बाद भी आप पानी लेके उसी टाइप का सेम मिट्टी ले लीजिए और थोड़ा सा फिर से घोला लगाइए, तो देखिए बहुत अच्छा फिनिश होगा पेंट करने का, पहले का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप पेंट कीजिए। सर मूर्ति फिनिश शिंग और प्लेन करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, ये मैंने बता दिया, पेंट करने का पहले ये प्रोसेस कीजिए, और पेंट करने का बाद तो आपको पता है एक्रेलिक बेस पेंट कीजिए। आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारा पेंट आ गया, बहुत कलरफुल कलर कीजिए, उसी में ऑटोमेटिकली फिनिश आ ही जाएगा, और ज़्यादा बड़ा होगा तो आप 1000 से भी ऊपर, 1000 एक सैंड पेपर ले लीजिए, उससे थोड़ा कहीं कहीं जगह में स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं जो प्रोसेस बोला उसी में करके देखिए, बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा। सर जो ऑनलाइन टेराकोटा क्ले से मूर्ति बना सकते हैं क्या। ऑनलाइन टेराकोटा क्ले मैं देखा नहीं, मैं मतलब यूज़ नहीं किया, शायद हो सकता है, ठीक है। आप मतलब ये नेचुरल क्ले है, ठीक है,
ऐसा टेंशन का कोई बात नहीं, आप मिट्टी में काम कीजिए और उसको फायरिंग कीजिए, देखिए ना क्या होता है, ठीक है। ये आप मतलब सिर्फ पीओपी, मेरे को जितना जानकारी है, आप सोचिए पीओपी को, पीओपी का काम कोई फायरिंग में दे दिए, मतलब दे दिया तो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है, 100%। लेकिन नेचुरल मिट्टी होगा, कोई सा भी टाइप का होगा, तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं, तो छोटा कुछ टुकड़ा ले लीजिए कहीं पे, फायरिंग करने के लिए दे दीजिए, कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा कलर आ रहा है, कैसा स्ट्रांग हो रहा है, उसमें पानी में मिला के देखिए, मतलब उसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए, ठीक है ना। खराब होगा तो आप चेंज कीजिए, और अच्छा हो जाए तो बस गुड रिजल्ट, ठीक है ना। सगनिक আমি ভালো আছি, একদম মস্ত। তো ক্লে কে নিয়ে লিয়ে ইতনা টেনশন নেই হ্যায় ফ্রেন্ড, আপ লোক মেরা হর ভিডিও কিউ নেই দেখতে, ম্যাম এই মে সোচতা হুম আপ লোক সিফ গণেশ জি দেখ লেতে বস হো গিয়া। ম্যায় অলগ অলগ টেকনিক কো ডালা, অলগ অলগ প্রসেস, জেসা স্কাল্পচার বনানে কে লিয়ে, तो स्कल्पचर बनाने के लिए जैसा प्रोसेस होना चाहिए, कहीं कहीं कहाँ कहाँ पे मुश्किल आ सकते हैं, किस टाइप का मैं दिखाने का कोशिश किया, आप लोग देखिए हर वीडियो, आप लोग ट्राई कीजिए। सर घर पे बगेश जी, सर घर पे फायरिंग कैसे करें, क्या प्रोसेस है? मैं बोला बोला अभी जी, मेरा फायरिंग प्रोसेस, ट्रेडिशनल फायरिंग प्रोसेस का वीडियो मैं डाला, उसमें जाइए, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देखिए, मैं वहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करके पूरा दिखाया। और ये शायद घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आर्ट वर्क आपको चाहिए, नहीं तो एक छोटा सा भी फर्निश आप करें, उसमें टाइम तो लगेगा ही, 7-8 घंटा आपको लग ही जाएगा, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी आपको आर्ट वर्क आपको चाहिए फायरिंग के लिए। छोटा काम लेके, इतना छोटा छोटा लेके कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा मिनिमम काम आपको होना चाहिए, तभी आप ये फायरिंग कर सकते। लेकिन फिलहाल आप देखिए वीडियो को, देखिए वहाँ पे आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। अभिषेक जी, डू यू एवर विजिट इंदौर और एनी प्लान? अभी तो प्लान नहीं है, ठीक है, अभी प्लान नहीं है, तो कभी होगा तो बताएंगे जरूर, ठीक है। निमाय जी, सर हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे बताइए, ठीक है। मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रहा है। সগনিক, আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম একদিন, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, কেমন আছো? আর কাম কিজিয়ে, আপ লোক ফটো ভেজিয়ে মেরে কো, ঠিক হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যায়, মে দেখুঙ্গা, মেরা আচ্ছা লাগেগা। মুস্তাফা জি, স্যার পেপার ম্যাশে ছোটা স্কাল্পচার বানা সকতে হ্যায় ক্যা? শিওর, ছোটা স্কাল্পচার আপ বানা সকতে, কোনো মুশকিল নেই হ্যায়, पेपर मैश जितना आप फाइन कर सकते हो उतना अच्छा होगा आपका काम, ठीक है ना। तो दिखाएंगे कभी पेपर मैश का भी, इजी प्रोसेस में दिखाएंगे। जोगेश जी, सर आप फ्री टाइम में सैटरडे संडे को लाइव गणेश जी की प्रतिमा सिखा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग मूर्ति? एक्चुअली लाइव होने के लिए टाइम का मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन होगा कि नहीं होगा मैं बता नहीं कर सकते, इसीलिए मैं फ़ोटो अपलोड, मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो टाइम लगता है, 2-2.5 घंटा लग गया आप सोचिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको उतना टाइम तक मैं ऑनलाइन कैसे हूँ, कैसे रहूँगा, तो ये मुश्किल है। जोगेश जी थैंक यू जी, ऑल ब्रो यू टॉकिंग तमिल? नो नो, आई डोंट नो तमिल, आई एम बंगाली।
यस मंडे, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू। नंदा किशोर जी, प्लीज मेक राघवेंद्र स्वामी स्कल्पचर। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। जो बोल सी देखी आई सर, सर लड्डू गोपाल की प्रतिमा बनाना सिखाइए। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे। विराज जी हाय, निमाया जी सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कलर पेंट क्ले रिलीफ एज इज बिफोर फायरिंग बेकिंग। इसमें देखिए आप, निमाया जी, आप क्या ये कलर करने के बाद फायरिंग करना चाहते हैं? ये देखिए, ये पहले बताइए, और फायरिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग कलर है, मतलब वो कलर परमानेंट कलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा फायरिंग का बाद। और आप सोच रहे फायरिंग नहीं करेंगे, आपको मिट्टी में घर में सजा के रखना है, इसलिए तो आप एक्रेलिक बेस कलर कर सकते हैं। ठीक है, गरिमा जी, गुड टू सी यू सर, थैंक यू। राहुल जी, मास्टर मशाई नमस्कार, नेमिन আমার রিকোয়েস্টটা একটু দেখবেন, সিলিকনের সিলিকন রাবার ডাইস বানানোর নিয়মটা প্লিজ। অ্যাকচুয়ালি সিলিকন মেরা পাস হ্যায় অভি, লেকিন উসকা জো হার্ডনার হ্যায় ইয়ে মেরা খতম হো গিয়া, মতলব উসকা সেট কা শার্প জিতনা দেতা হ্যায় না, বহুত কাম হোতা হ্যায়, উসমে কাম নেই চলতা হ্যায়, তো উস খতম হো গিয়া অভি লকডাউন কে বজহ সে, মে অর্ডার দে দিয়া, আ যায় তো জরুর দিখায়েগে। ঠিক হ্যায়, कोई बात नहीं। एके जी सर, रेजिन हर्नर और मैट से फाइबर से बन जाएगा क्या? रेजिन हर्नर और मैट लेटर चाहिए, ब्लू वाला जो कलर, ब्लू कलर जो है वो भी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मैट मतलब पाउडर ना हो जाए फिर भी चल जाएगा, लेकिन पतला सीट बनेगा, जैसे टीन बनता है ना, जो फाइबर टीन होता है वो उस टाइप का सीट बन जाएगा पतला। ठीक है, मुस्तफा जी सर, क्ले में पाउडर मिला सकते हैं क्या इसे हार्ड करने के लिए? नहीं, जो हम लोग पाउडर घर में यूज़ करते हैं ना, जो जिसको टाल्क बोलते हैं, टाल्क, ये पाउडर भी मिट्टी में मिलाते हैं, उसमें स्मूथनेस, शाइन, सॉफ्ट लाने के लिए ये यूज कर सकते, लेकिन हार्ड नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा। मतलब हार्ड मतलब क्या, हार्ड से उल्टा क्या होगा, मतलब प्लास्टिसिटी कम होगा पाउडर मिलाने से। ठीक है, नंदा किशोर जी, सर और नरसिम्हा, राजन जी, हेलो सर, बुद्धा जी का स्कल्पचर बनाइए प्लाईवुड फर। प्लाईवुड फर कैसे बनाए, मतलब आप प्लाईवुड के ऊपर मिट्टी से बनाने की बात कर रहे हैं शायद, मतलब रिलीफ, रिलीफ में तो बनाया एक बुद्धा का, 3D बनाएंगे कभी, बुद्धा का फेस बनाया, बुद्धा का फेस का रिलीफ बनाया, दो वीडियो है अलग अलग, आप देखिए। ठीक है, दो अलग अलग वीडियो है। जोगेश जी सर, बेसिकली फायरिंग किस लिए किया जाता है? मिट्टी को परमानेंट करने के लिए, मिट्टी को परमानेंट मतलब आप आउटडोर में आप मिट्टी का कोई स्कल्पचर म्यूरल नहीं रख सकते। ठीक है ना, घर में भी रखे तो उसको सफाई कर नहीं सकते पानी से, लेकिन जब मिट्टी को फायरिंग कर देंगे, इसको टेराकोटा प्रोसेस, टेराकोटा बोलते हैं, वो आप बाहर आप म्यूरल लगाइए, स्कल्पचर रखिए, पानी से धूप से कुछ खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये फायदा है, परमानेंट हो गया ये। ठीक है, और हार्ड भी हो जाता है बहुत। मुझे सर मोल्ड बनाना नहीं आता है, जोगेश जी,
किसका मोल्ड बता रहा है? एक तो मेरा देखिए 2D मोल्ड कैसे बनाते हैं, मैं दिखाया प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड, 3D स्कल्पचर का मोल्ड कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं वो भी दिखाया, मैं फेस का अभी रिसेंट फेस का कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड लेते हैं वो भी दिखाया। आप जाइए वहाँ पे मेरा चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में देख जाइए, देखिए अलग अलग टाइप का मोल्ड दिखाई देगा, आप सीख जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। राहुल जी थैंक यू, क्या आप मोल्ड बनाना देते हैं, मुझे सिखा सकते हैं क्या डिटेल में? दिखाए आप जाइए एक बार प्लीज़, ठीक है? 3-4 वीडियो है मेरा मोल्ड का, अब जाइए मतलब सीख पाएंगे। एक कार्तिक ठाकुर बनाओ, ठीक है प्लीज़। थ्री डी हाउस क्ले मटेरियल प्लीज, क्ले 3D हॉर्स, ओके ठीक है ठीक है। ये रिसेंट भी मतलब अभी बनाएंगे, ये प्लानिंग है। 1 kg सर्वाइवर सीट को फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या मिलाया जाता है? ये मेरे को 100% जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते, फायर रेसिस्टेंस एक स्प्रे आता है, ठीक है? अब फाइबर सीट बना लीजिए, कंप्लीट हो गया, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, लास्ट में आप वो वाला स्प्रे खरीद के उसके ऊपर स्प्रे कीजिए, वो फायर नहीं पकड़ते, ऐसे रेजिन सीट जल्दी फायर नहीं पकड़ते, तो वो जो स्प्रे होगा उसमें तो एकदम 100%। अनिश कुमार हाय सर, आई लिव इन दिल्ली, कैन आई गेट पॉटरी व्हील? पॉटरी व्हील का एड्रेस दिल्ली में, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग तो दिल्ली से ही मंगाते हैं, ठीक है ज़रूर मिलेगा। मेरा वहाँ पे बहुत सारा सेरामिक्स का फ्रेंड भी है, मैं पता करता हूँ, ठीक है? आप मेरा व्हाट्सएप में एक बार मैसेज करके रखिए, मैं नंबर दे देंगे, ठीक है? रजन पटेल थैंक यू सर जी, रिलीफ बनाइए, रिलीफ बनाइए, कौन सा रिलीफ का बात कर रहे हैं? मेरा रिलीफ म्यूरल बहुत सारा है, आप चाहिए वहाँ पे, ठीक है? तो अलग अलग टाइप का वीडियो मेरा रिलीफ का है, आप देखिए वहाँ पे शायद हेल्प मिल जाएगा। गणेश जी मूर्ति का मोल्ड, ठीक है ये मेरा रिसेंट एक होगा सिलिकॉन मोल्ड का, एक प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? अनिश कुमार जी हाय सर, आई लिव इन दिल्ली एंड आई गेट पॉटरी व्हील, अनिश कुमार ऐसे जल्दी जल्दी, बहुत बार एक ही क्वेश्चन, फायरिंग से क्रैक तो नहीं आएगा योगेश जी? आ सकता है, आ सकता है, फायरिंग का टाइम में भी बहुत रिस्क रहता है, श्रिंकेज का भी एक अप डाउन रहता है वहाँ पे, ठीक है? तो उसमें भी थोड़ा क्रैक आ सकता है, लेकिन सही से उसको लोडिंग मतलब लोडिंग हो जाए तो चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है? तो फायरिंग के टाइम सोचिए हिल गया कहीं पे तो क्रैक हो जाता है, तो लोडिंग का टाइम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? पेपर मेश से पूर्णिमा जी, पेपर मेश से मैंने काम अभी एक दिन दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? टाइम थोड़ा मुश्किल है अभी, तो ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है? मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, मैं दिखाएंगे। कीर्ति जी क्या हाउ टू फिल, समझ में नहीं आ रहा है। मुस्तफा जी सर, पॉटरी व्हील का स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है? आप सोचिए 20,000 से स्टार्ट होगा,
20 से 25 का बीच में आ ही जाएगा, ठीक है। 1 kg फाइबर से कूलर बॉडी बनाना है सर, पॉसिबल? हाँ हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। सर कैन वी सेंड यू पिक्चर आवर गणेश एंड गेट फीडबैक फ्रॉम यू? श्योर, आप व्हाट्सएप में भेजिए, मैं देख के बताऊँगा, ठीक है। सर पेपर मैस में नेचुरल क्ले का यूज करते हैं क्या? ओगेश जी, एक तो है पेपर मेस का साथ, मतलब मिट्टी का साथ पेपर मेस यूज करने के लिए चुना है, वो एक अलग टाइप का प्रिपरेशन है सिरेमिक के लिए, लेकिन पेपर मेस में जब करेंगे तो मिट्टी मिलाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ना मिलाए तो अच्छा है, ठीक है। तो फ्रेंड आज थोड़ा सा काम है, आप लोग रिसेंट जो वीडियो आएगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा, आप लोग का जो क्वेश्चन सुन के मेरे को लगा तो कुछ कुछ मेरे को याद रहेगा, मैं फुलफिल करूँगा। लोग मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। मुस्तफा जी, सर स्कल्पचर में वायर का रिक्वायरमेंट है क्या? देखिए स्कल्पचर, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो स्कल्पचर जब आप सोचिए उसको परमानेंट क्ले में रखेंगे तो इसलिए आप आर्मेचर ना यूज़ करें से बेहतर है, और उसको मोल्ड करके दूसरा कुछ मटेरियल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम आप आर्मेचर यूज़ कीजिए, मतलब उसमें सूख, मतलब मिट्टी सूखेगा नहीं, वो गीला रहेगा, गीला रहते रहते आपका काम ख़त्म हो जाएगा, मोड़ ले लेंगे तो उसमें आप आर्मेचर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जब छोटा मूर्ति किसी को मतलब वहीं पे रखेंगे, उसको सुखा के उसी को पेंट करके घर में रखेंगे तो उसको आर्मेचर देने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिना आर्मेचर का काम कर सकते हैं, पर टाइम लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके आज के लिए बाय, नेक्स्ट कभी अचानक ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ, तो बाय, नेक्स्ट आएंगे कभी, ठीक है। मेरा चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा, ठीक है, बाय।